आशिफ का अपने बेटे का दिल फटते देखा। मैंने उसकी आंख नाक से खून की धार निकलते देखी। काशिफ 1980 में जब पैदा हुआ था, मैं 22 साल का था। और काशिफ को 2-3 महीने 4 महीने की उम्र से उसको ब्लड लगना शुरू हुआ। ब्लड लगते लगते 8-10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, स्कूल जाता था। काशिफ के 3-3 बोतलें ब्लड लगती थी। काशिफ के 9th के पेपर चल रहे थे और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। उसको अस्पताल में दाखिल किया। 7-8 दिन गुजर गए, ना उसकी मौत आती ना उसकी ज़िंदगी आती। लगता था ये सांस आखिरी है, अब मर जाएगा ये। एक दिन अस्पताल के बाहर में मस्जिद पे दुआ कर रहा था, असर का टाइम था। या अल्लाह, कभी कभी हम एक दुआ करते हैं, अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। जी, जी, है ना? जी, हम तो ये नहीं कहते अल्लाह इसको उठा ले, लेकिन एक बाप के लिए दुआ बहुत बहुत अंदर की आवाज़ थी। मैं दुआ ख़त्म करके जब अस्पताल में आया था, डॉक्टर बुशरा दरवाजे पे खड़ी, कहने लगी, इकबाल साहब आप इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे कि वो राह चलते लोग खड़े होकर आपके बच्चे के लिए, काशिफ के लिए दुआ कर रहे थे। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आज ये 14 साल का हो गया, कहीं तो दुनिया में इलाज होगा। कहने लगी, एक इलाज निकला, बोनवेरो ट्रांसप्लांट, इटली पिजारो में और लंदन में रॉयल फ्री हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा, किसी ने बताया क्यों नहीं, मैं शायद करा लेता। उस टाइम स्टील मिल में था मैं, अच्छी पोजीशन में था। बहरहाल, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप नहीं करा सकते थे, बहुत महंगा है, 40-50 लाख, जब डॉलर 27 रुपये का था उस वक्त। तो खैर, काशिफ ठीक हुआ, घर आ गया। अब मैंने कोशिश की कि इसको बाहर ले जाने के लिए 90 लाख जमा करने थे, पता चला 90 लाख का खर्चा। तो मैं बड़ा, मेरे पे एहसान है उन मरहूमीन का, जिनका अगर मैं नाम लेऊं, जरूर लीजिए, जैसे जुनेद जमशेद साहब, मोइन अख्तर। मैं शायद उनको कभी नहीं भूल सकता। क्या बात है यार, 1.5 साल मुहिम चलाई उन्होंने 90 लाख जमा करने के लिए। क्या बात है, और काशिफ को मैं ले गया 1.5 साल। क्या बात है, देखिए जन्नत में तो वो बेहतरीन जगह पे शायद उनका यही अमल शायद काफी हो। और आखिरी टाइम तक वो साथ भी थे। आप देखें कि फिर मैंने काशिफ को ले भी गया, 90 लाख हुए या नहीं हुए वो तो अलग कहानी थी। फिर मैं इटली पहुंचा, काशिफ को तो वहां पे चेक वेक किया काशिफ का, उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, इसको तो 16 साल का हो गया। 16 साल में ड्रमों के हिसाब से ब्लड लगा, और इतना ब्लड लगा कि ब्लड से आया हुआ जो आयरन था वो बॉडी में ओवरलोड होता रहा, उससे निकलने की जगह नहीं मिली। आपके मेरे जिस्म में आयरन 40 से 160 नैनोग्राम है, 160। काशिफ के जिस्म में 7,700 आयरन था। उन्होंने 160 होना चाहिए था, 7,500 था, 7,500। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे ये मर जाएगा, आप इसको पाकिस्तान ले जाएं आयरन निकालें। फिर उसको आयरन निकालने का इंजेक्शन दिया, मगर देर हो चुकी थी। 3 इंजेक्शन रोज़ लगेंगे, 15 घंटे रोज़ सुई पेट पे लगी रहेगी, बगैर इतवार की छुट्टी किए 3-4 साल तक। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, पंप दिया, फिर मैं लंदन लेकर आया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकेगा, आयरन निकालें। अब 15 घंटे रोज़ सुई लगी हुई उसके पेट पे, और हर हफ्ते उसको ब्लड लग रहा है। मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसको 8-8, 10-10 बोतल खून लगता था हर महीने, एवरी वीक 2-3 बोतल हर हफ्ते। अब अंदाज़ा करेंगे वो कितना बहादुर बच्चा था, अल्लाह कि पैदा हुआ 4 महीने का, ब्लड लगते लगते वो आज 16 साल का हो गया, और 8-8, 10-10 बोतल महीने में ब्लड लग रहा। अच्छा, उसका पिछला आयरन तो निकला नहीं, उसका और आयरन बढ़ गया। इतना आयरन बढ़ गया, कहाँ 160 कहाँ 7,700, इसका आयरन 11,000 पे चला गया, 11,000। आप क्या करेंगे गुब्बारे में, कितनी हवा भरेंगे आप, फट जाएगा ना गुब्बारा। मैंने अपने बेटे की एक तकलीफ दा मौत देखी है। 11,000 आयरन से मैंने काशिफ का अपने बेटे का दिल फटते देखा। मैंने उसकी आंख नाक से खून की धार निकलते देखी। या अल्लाह, इतना कुछ किया, वो काशिफ की ऐसी मौत हो गई। मेरे लिए वक्त रुक गया, सब कुछ रुक गया, थम गया। काशिफ को हमने वहीं लंदन में दफनाया, और उसके जनाजे पे कहत किया, या अल्लाह मुझे बस इतनी सी मोहलत दे दे कि मैं पाकिस्तान जाके
वो कुछ करूं जो मेरे बेटे को सहूलत नहीं मिली, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं। अल्लाह।